हेलो डियर, वेलकम बैक। एपिसोड 11 का दूसरा प्रीव्यू दिखाया गया है। इससे पहले मैंने एक और प्रीव्यू एक्सप्लेन किया था एपिसोड 11 का, और ये दूसरा प्रीव्यू देखकर तो आने वाले एपिसोड 11 काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्रीव्यू के फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहां डेनियल कहता है किम से, तुम क्या सोच रहे हो, तुम कौन हो। इस पर किम कहता है, मुझे लगता है तुम्हें पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर डेनियल गुस्सा हो जाता है। डेनियल किम पर हाथ उठाने जाता है, तभी कमोल डेनियल को वहां रोक लेता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहां पर डेनियल किम को डराता है उसके पेरेंट्स को लेकर। डेनियल कहता है, मैं उस दिन तुम्हारे घर से निकल गया था। अगर मैं चाहता हूँ किसी को मारना, किसी को गायब करना, तो मेरे लिए ऐसा करना हार्ड बहुत ही मुश्किल नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस सीन में डेनियल किम से किम के पेरेंट्स को गायब करने की बात करता है ताकि किम इस बात से डर जाए और किम कमोल को छोड़ दे। वाकई में डेनियल काफी अजीब है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहां पर किम बाइबिन के साथ बाइबिन के कॉलेज जाता है। तभी किम किसी के हाथ में गन देखता है। किम कहता है बाइबिन से, बाइबिन संभल के, और तभी वहां पर गन चलने की आवाज आती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जहां पर डेनियल के हाथ में चोट लगी होती है और वहां कमोल भी काफी गुस्से में होता है। कमोल डेनियल से कहता है गेट आउट। ये सुनकर डेनियल कहता है कि एंड में, लास्ट में तुम मेरे और इवान के पास ही आओगे, गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल जैसे कि तुम पहले आए थे। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहां पर कमोल इवान से मिलने जाता है। वहां पर इवान होता है और कमोल काफी परेशान दिखाई देता है। इस दूसरे प्रीव्यू को देखकर तो आने वाले एपिसोड 11 के लिए मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। पता नहीं एपिसोड 11 में आखिर क्या होगा, बट आई होप जो भी हो हमें हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। और लव इन द एयर का पार्ट 2 मैंने आज अपलोड नहीं किया, सॉरी फॉर लेट, पर मैं कल इसे पक्का अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वेटिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं एपिसोड 11 में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन एपिसोड 11। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।